हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन का सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसे आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है, ए है संवेदी प्रेरक, बी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, सी है अनौपचारिक सक्रियात्मक, डी है मूर्त सक्रियात्मक। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्याजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञान विकास की अवस्था नहीं है, क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो यहाँ पे तीन अवस्थाएं ऑप्शन में होंगी और एक नहीं होगी, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, प्याजे जी ने संवेदी प्रेरक की अवस्था, औपचारिक अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था और सक्रिय अवस्था के बारे में बताया गया है, तो अनौपचारिक सक्रिय अवस्था के बारे में नहीं बताया गया है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के लिए तैयारी के अनुसार शिक्षा है या कथन है, ए रूसो का, बी ए स्पेंसर का, सी ए स्किनर का, डी ए बडवर्थ का। तो क्वेश्चन पूछा गया, कथन दिया गया है। कथन में बोला गया कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी के अनुसार शिक्षा है, तो यह किस प्रकार का कथन है, यह किस मनोविज्ञान ने दिया, यह कथन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, यह कथन स्किनर जी ने दिया है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। वृद्धि और विकास है, ए है एक दूसरे के समान, बी है एक दूसरे के पूरक, सी है एक दूसरे के विरोधी, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि वृद्धि और विकास किस प्रकार की हैं, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि बात करते हैं, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर है, ए खेल का मैदान, बी ए परिवार, सी ए विद्यालय, डी ए समाज। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालक के लिए समाजीकरण का प्राथमिक स्तर या घटक क्या है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे बात करते हैं, बालक के लिए सामाजिक या प्राथमिक स्तर या घटक होता है वो परिवार होता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवेगों को छिपाने या छिद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी प्रौढ़वस्था में। तो क्वेश्चन पूछा गया कि संवेगों को छिपाने या छिद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति है जो कि किस अवस्था में विकसित होती है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करती है यह कि शैशवावस्था में, माफ कीजिए, किशोरावस्था में संवेगों को छिपाने और छिद्म रूप से अभिव्यक्त करने की अभिव्यक्ति विकसित हो जाती है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को शेयर करते हैं। बालक की किस अवस्था में उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, ए शैशवावस्था, बी ए बाल्यावस्था, सी ए किशोरावस्था, डी ए प्रौढ़वस्था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बालक की किस अवस्था में उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस अवस्था में पूर्ण रूप से हो जाता है। जैसे कि बात करते हैं, बालक का सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से किशोर अवस्था में हो जाता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय विकास से संबंधित नहीं है, ए विकास आंतरित होता है, बी ए विकास एक निश्चित क्रम में होता है या क्रम होता है, सी ए विकास का सटीक मापन असंभव है, डी ए विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय विकास से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है और इस प्रकार क्वेश्चन सीटेट में भी आती है, तो पहले क्वेश्चन को बी करके पढ़ना है, उसके बाद में आंसर देना है। तो यहाँ पे तीन पॉजिटिव में और एक क्वेश्चन ऑप्शन नेगेटिव में, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं विकास के बारे में, तो विकास क्या आंतरिक होता है, विकास एक निश्चित क्रम में चलता है और इसका सटीक मापन नहीं किया जा सकता है, विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, ऐसा नहीं है, विकास जन्म से लेकर और जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी, विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान शिक्षा प्रणाली असफल रही है, ए बालकों की तार्किक क्षमता के मूल्यांकन में, बी है शिक्षण की व्यवहारिक उपयोगिता के मूल्यांकन में,
सी है शिक्षण के दौरान प्राप्त जीवन के व्यवहारिक अनुभव के मूल्यांकन में, अगला देखेंगे डी है उपरोक्त सभी मूल्यांकनों में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली असफल क्यों रही है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसकी बात करते हैं, वर्तमान में शिक्षा प्रणाली असफल इसलिए रही है क्योंकि बालकों की तर्क क्षमता के मूल्यांकन में और शिक्षण की व्यवहारिक उपयोगिता के मूल्यांकन में, शिक्षण के दौरान प्राप्त जीवन के व्यवहारिक अनुभव के मूल्यांकन में इस प्रकार की क्रिया रही है क्योंकि वो इसको पूर्ण रूप से नहीं करती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? ए वैचारिक क्रिया अवस्था, बी ए संवेदनात्मक स्थित अवस्था, सी ए विवेचना रहित विचार अवस्था, डी ए संकल्पना एवं प्रत्यात्मक विचारों की तैयारी अवस्था। तो क्वेश्चन पूछा है कि प्रसिद्ध मनोविज्ञानी जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं, विवेचना रहित विचार अवस्था संकल्पना इस प्रकार की अवस्था में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में ज्ञान का विकास हो जाता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, किस अवस्था में संयोग की अस्थिरता सर्वाधिक होती है? ए शिशु अवस्था, बी ए बाल्यावस्था, सी ए किशोरावस्था, डी ए प्रौढ़अवस्था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि किस अवस्था में संयोग की अस्थिरता सर्वाधिक होती है या सबसे ज्यादा होती है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसकी बात करती है यह शिशु अवस्था में होती है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिगमंड फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में बालक में अत्य आत्मनैतिक आरंभ हो जाती है? ए 1 वर्ष से 5 वर्ष, बी ए 6 वर्ष से 11 वर्ष, सी ए 2 वर्ष से 6 वर्ष, डी ए 11 वर्ष से 16 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछा गया कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में बालक में आत्मनैतिकता का आना आरंभ हो जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके बात करते हैं, 6 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चे में या बालक में आत्मनैतिकता का आरंभ हो जाता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रायोगिक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं? ए बी एफ स्किनर, बी ए जे एल मोरेनो, सी ए विलियम बुंट, डी ए हार्वर्ड। तो क्वेश्चन पूछा गया कि प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन है या मनोवैज्ञानिक कौन है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके बात करते हैं, विलियम बुंट ने प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक रूप के प्रयोग में प्रारंभ किया था, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? ए अन्वेषण का सिद्धांत, जोरेम एस व्रूनर, बी ए शाब्दिक अधिगम प्राप्त अधिगम का सिद्धांत आशुवेल, सी ए प्राकृतिक दशा क्षेत्र सिद्धांत कुटलेविन, डी ए अनुकरण सिद्धांत क्लार्क एवं हेल। तो क्वेश्चन पूछा गया कि सुलेमित नहीं है, गलत छांटना है हमें इसमें से, बाकी 3 पॉजिटिव में 3 सही है और 1 नेगेटिव में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसकी बात करती है, अनुकरण सिद्धांत क्लार्क एल हल का नहीं है, तो यही हमारा नेगेटिव में आंसर सही हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बाकी अन्वेषण का सिद्धांत जेरोमेरो एस ब्रूनर ने दिया है, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुवेल ने दिया है, और प्राकृतिक या क्षेत्र का दिशा क्षेत्र का कुट लेविन दिया है। तो आंसर यहाँ पे हमारा डी, अनुकरण का सिद्धांत कुट लेविन, माफ कीजिए क्लर्क हेल ने नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन पूछा गया है, यह चिंतन के अंतर्गत समस्या के विभिन्न पहलुओं को एक साथ संयोजित किया जाता है, बी ए चिंतन में गत अनुभूति सम्मिलित होती है, सी ए चिंतन की प्रक्रिया में प्रत्यन तथा भूल की प्रक्रिया नहीं होती है, डी ए भाषा चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कथन कौन सा सही है, माफ कीजिए सत्य पूछा गया है। तो उसकी बात करते हैं, चिंतन के अंतर्गत समस्या के विभिन्न पहलुओं को एक साथ संयोजित किया जाता है, यह कथन सही है।
चिंतन में गत अनुभूति सम्मिलित होती है, यह भी कथन सही है। भाषा चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंग है, यह भी सही है। चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न व भूल की प्रक्रिया नहीं होती है, यह कथन सत्य नहीं है, इसमें होती है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुभाविक अधिगम है, ए बालक के अनुभव के माध्यम से गठित अधिगम, बी है वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान, सी है अध्यापक के शिक्षण से प्राप्त अधिगम, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अनुभाविक अधिगम क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। इसके बात करते हैं, बालक के अनुभव के माध्यम से गठित अधिगम अनुभाविक अधिगम होता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मक चिंतन द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है, ए है निगमनात्मक तर्क, बी है आगमनात्मक तर्क, सी है सदृश्यवाची तर्क, डी है आलोचनात्मक तर्क। तो क्वेश्चन पूछा गया कि सृजनात्मक तर्क द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे बात करती है, आगमनात्मक तर्क सृजनात्मक तर्क में अधिक प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहां पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है, ए है कुप्पू स्वामी, बी है मन, सी है भाटिया, डी है डीवी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार आगमनात्मक विधि है जो कि खोज और अनुसंधान की विधि है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा, तो इसका हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा भाटिया के द्वारा, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किन परीक्षणों से व्यक्ति की किसी व्यक्ति वस्तु संस्था या आदर्श के प्रति अभिवृत्ति का पता चलता है, ए अभिवृत्ति परीक्षण, बी है निर्धारण परीक्षण, सी है अभिरुचि परीक्षण, डी है निष्पत्ति परीक्षण। तो क्वेश्चन पूछा गया कि किन परीक्षणों से व्यक्ति की किसी व्यक्ति वस्तु संस्था या आदर्श के प्रति अभिवृत्ति का पता चलता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बात करते हैं, अभिवृत्ति परीक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति की वस्तु संस्था अथवा आदर्श के प्रति अभिवृत्ति का पता चलता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान और कौशल का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जाता है, ए है अभिवृत्ति परीक्षण, बी है निर्धारण परीक्षण, सी है निष्पत्ति परीक्षण, डी है अभिरुचि परीक्षण। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान और कौशल का पता किस परीक्षण के द्वारा लगाया जा सकता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसकी बात करते हैं, अभिवृत्ति परीक्षण के द्वारा नहीं लगाया जा सकता है, निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा लगाया जा सकता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में, शेयर करते हैं दोस्तों साथ में। क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक विकास का परिणाम होता है, ए बालक की याद करने की योग्यता में वृद्धि, बी है बालक की सामाजिक में विकास, सी है बालक के द्वारा स्व अनुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता, डी है उसकी सामान्य योग्यता में वृद्धि। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानसिक विकास का परिणाम क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बात करते हैं, बालक के द्वारा स्व अनुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता मानसिक विकास का परिणाम होता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, ए 130 से कम, बी 130 से अधिक, सी 60 से अधिक, डी 70 से कम। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आईक्यू लेवल पूछा गया क्वेश्चन में। तो उसकी बात करेंगे, मंद बुद्धि बालक की आईक्यू लेवल या बुद्धि लब्धि जो बताई गई है 170 से कम होगी, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री केवल दृश्य सामग्री है, ए टेप रिकॉर्डर, बी है रेडियो, सी है चार्ट, डी है टेलीविजन। तो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि शिक्षण सामग्री केवल दृश्य श्रव्य सामग्री में है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करती है, चार्ट पेपर या चार्ट है जो कि शिक्षण सामग्री केवल दृश्य सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहे साथ साथ में, शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे,
मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूमबुंड क्यों तैयार करते हैं? ए मूल्यांकन हेतु, बी ए प्रश्न पत्र निर्माण की योजना बनाने हेतु, सी ए दिखावा के लिए, डी ए परीक्षा के लिए। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूमबुंड क्यों तैयार करते हैं? जो ब्लूम प्रिंट है, जो ब्लूम प्रिंट के तैयार किया जाता है मूल्यांकन के लिए, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, प्रश्न पत्र निर्माण के लिए या योजना बनाने हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लू प्रिंट तैयार किया जाता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों के अध्ययन करने का सर्वोच्चतम साधन है ए परीक्षण परिणाम, बी ए मूल्यांकन प्रपत्र, सी ए संचयी अवलेख प्रपत्र, डी ए उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि छात्रों के अध्ययन करने का सर्वोच्चतम साधन क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बात करते हैं, संचयी अवलेख प्रपत्र छात्रों के अध्ययन करने का सर्वोच्चतम साधन है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि ए कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को अधिकाधिक अनौपचारिक अंतःक्रिया के अवसर प्रदान किए जाएं, बी ए कक्षार्थियों को श्रुतलेख लिखवाना चाहिए, डी ए कक्षा कक्ष में गृह कार्य करने को कहना चाहिए, डी ए उपयुक्त सभी, माफ कीजिए सी था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम का स्तर बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिसके बात करते हैं, कक्षा कक्ष में गृह कार्य को कहना चाहिए और कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को अधिकाधिक अनौपचारिक अंतःक्रिया के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, कक्षार्थियों को श्रुतलेख लिखवाना चाहिए। उसका कोड हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिग एवं हंट अनुसार की विशेषताओं को सर्वोच्चतम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ए शैशवावस्था, बी ए बाल्यावस्था, सी ए किशोरावस्था, डी ए प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बिग वुंट हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोच्चतम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, यह किस अवस्था में पाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, यह किशोर अवस्था में होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस दायित्व को पूरा करने या करने होगा या करना होगा, ए विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, बी ए पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करवाना होगा, सी ए संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, डी ए उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस दायित्व को पूरा करना होगा, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन 2009 में विद्यालयों में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना टीचर के लिए और पाठ्यक्रम का संचालन कराना पूरा करना होगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। तो इसका कोड हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है ए सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बी ए छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, सी ए और बी दोनों ही सही है, डी ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके बात करते हैं, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तो इसका कोड हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, क्वेश्चन देखेंगे पहले फिर ऑप्शन देखेंगे।
शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण माफ कीजिए शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है एक कठोर अनुशासन बनाए रखना, बी है शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, सी है पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, डी है यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो एक क्वेश्चन एक बार और देखेंगे, जैसे क्वेश्चन बोला कि एक शिक्षक की या शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बात करते हैं कि पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना यह शिक्षक की जिम्मेदारी है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, माफ कीजिए दिक्कत होगी देखने में, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना करेक्ट आंसर हमारा ये होगा, सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि एक शिक्षक की जो जिम्मेदारी होगी अपने छात्रों को अधिगम शैलियों के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर देना या मौके उपलब्ध कराना और क्लास में या कक्षा में लोकतांत्रिक माहौल का इन्वायरमेंट क्रिएट करना। तो आंसर करेक्ट होगा इसके ऊपर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अच्छी शिक्षित हैं और तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल की भी अभाव है, गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा है, ए विद्यालय भवन का अभाव, सी ए अशिक्षित माता पिता, डी ए समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव, माफ कीजिए सी ए डी ए पेयजल सुविधा का अभाव। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक शिक्षक की नियुक्ति है जो कि सुदूर गांव में की जाती है और जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित है, जो कि विद्यालय है, विद्यालय भवन में पेयजल का भी अभाव है, पानी पीने के लिए भी नहीं है, ये पूछा गया है, और गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी कठिनाई या बाधा क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। उसके बात करते हैं, सबसे बड़ी जो बाधा होगी समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव। आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा सी। तो दोस्तों सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।